सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने की सुगबुगाहट से जहां एक और शहरवासी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं गांववासी बेहद चिंतित दिख रहे हैं। कुछ पंचायतों ने तो इसका विरोध भी आरंभ कर दिया है। आंजी, सलोगड़ा और सेरी पंचायत के प्रधानों ने मिलकर उपायुक्त सोलन केसी चमन को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा और कहा है कि बेशक सोलन शहर की नगर परिषद को नगर निगम बना दिया जाए, लेकिन आसपास के गांवों को उनमें शामिल ना किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम को उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसका सीधा असर सोलन के किसानों के हितों पर पड़ेगा। रोष प्रकट करते हुए आंजी, सलोगड़ा और सेरी पंचायत के प्रधानों ने कहा कि सोलन को नगर निगम बनाने की बात की जा रही है, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गांव वासियों से इस बारे में कोई भी राय नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पंचायतें इतनी सक्षम है कि वे नगर परिषद से भी अधिक विकास पंचायतों में करवा रही है। नगर परिषद शहरवासियों को पानी तीसरे दिन दे रही है, गाँवों में ये सुविधा रोज मिल रही है। साफ सफाई और सड़क व्यवस्था भी शहर के मुकाबले बेहद बेहतर है, इसलिए उन्हें अगर नगर निगम में शामिल किया जाता है तो उन्हें लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें मनरेगा जैसी कई योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। कई तरह के टैक्स उन पर लगा दिए जाएंगे, पानी बिजली बेहद महंगी हो जाएगी, इसलिए वे नगर निगम का विरोध करते हैं और किसी भी हालत में वे किसानों को शोषण का शिकार नहीं होने देंगे। जहाँ तक हमारा कहना है, विरोध नगर निगम का नहीं है, विरोध जो ग्राम पंचायतें नगर निगम में मिलाने की बात कर रहे हैं, विरोध उसका है। कारण बहुत सारे हैं, हमें 99% हम ये बोल सकते हैं कि अगर नगर निगम में गाँव को शामिल किया गया, ग्राम पंचायत को शामिल किया गया, तो नुकसान ही नुकसान है। कारण जैसे पहला बताते हैं, 70 से 80% जो ग्राम पंचायतों की जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित रूरल डेवलपमेंट से संबंधित हमें बहुत ऐसी स्कीमें मिलती है जिससे ग्रामीण को, कृषकों को फायदा होता है। जब वो अर्बन में आ जाएगा, जब वो नगर निगम के अंतर्गत वो गांव आ जाएंगे, पंचायतें आ जाएंगी, तो वो सारी सुविधाएं ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अभी मनरेगा के अंतर्गत लैंड डेवलपमेंट, काउ शेड, बहुत ऐसी स्कीमें हैं जो ग्रामीणों को डायरेक्ट मिलती है, जिसका पैसा डायरेक्ट गाँव वालों को मिलता है, जिससे रोजगार भी मिलता है, वो सीधे सीधे इफेक्ट हो रही है। तीसरा, अभी जो बिजली है, पानी है, वो बहुत ही सस्ते उसके रेट पे हमें मतलब प्रोवाइड होते हैं गाँव में। जब वो अर्बन एरिया में आ जाएंगे, नगर निगम के अंदर हो जाएंगे, तो उसकी टैक्सेस की मार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो किसान, हमारे किसान इतने संपन्न नहीं है, पहले ही कोरोना जैसी महामारी, किसानों की हालत इस देश में क्या है वो सभी को पता है। और जब वो नगर निगम में आएंगे, किसान, हम किसान कहाँ जाएंगे, क्योंकि किसानों को मिलने वाली सुविधाएं ख़त्म हो जाएगी, तो किसान अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि नगर परिषद सोलन में एक वार्ड में जितनी डेवलपमेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा एक पंचायत में होती है। मैं अगर पर्टिकुलर अपनी पंचायत की बात करूं, तो इतनी डेवलपमेंट हमारे पंचायत में हो रही है, नगर परिषद का वार्ड में नहीं हो रही है। ऑडिटोरियम हमारी पंचायत में बन रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे पंचायत में है, सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हमारी पंचायत में है। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े काम, जैसे स्ट्रीट लाइट है, चाहे रोड बन रहे हैं, तो बहुत ही ऐसी सुविधाएं हैं जो हम गाँव को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमें 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस से इतना फंड मिल रहा है कि हम गाँव की डेवलपमेंट कर सके। नगर परिषद की बात करें, एक हफ्ते बाद पानी मिलता है, पंचायतों में हर रोज का पानी और हर दूसरे दिन का पानी मिलता है, तो ऐसी समस्याएं कोई भी नहीं है। दूसरी बात, हमारा ये कहना चाहूँगा मैं प्रशासन सरकार से कि हम लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कम से कम पंचायतों से और वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि आप शामिल होना चाहिए ना। ये थोपने वाली जो सरकार की मंशा है कि इसको थोप दिया जाए पंचायतों में, वो सहन नहीं होगा। वो क्लियर शब्दों में कह रहे हैं, वो सहन नहीं होगा, क्योंकि हम पहले किसान हैं, हम किसानों की रक्षा करेंगे। नगर परिषद यदि नगर निगम बनता है तो हमें इस बारे में भी कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, परंतु आम जनता की समस्या को देखते हुए मैं ये मानना चाहूँगी कि जो एक गरीब आदमी हमारी पंचायत में 27 गांव आते हैं, तो एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी लेना होता है तो उनको बड़ी दिक्कत आती है उसमें। अगर वो कहीं ऑफिस में या डीसी ऑफिस में आए तो पूरा पूरा दिन लग जाता है। यदि नगर निगम की कोई उनके सामने कोई समस्याएं आती हैं तो वो एक सब्सिडी है, मान लिया कृषि पे निर्भर है हमारा गांव 80%, तो उनको बहुत समस्याएं आने वाली हैं। जो नगर निगम बन रहा है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र जितने भी है उसको ना छेड़ा जाए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र छेड़ने से हमारी सब्सिडी जितना भी सामान है सब खत्म हो जाएगा, गरीब जनता पर टैक्स लगेगा,
जिसको गरीब जनता नहीं दे सकती। ऐसा है जी भाई, हमारे पंचायत में सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पंचायत को सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए एक तो इसलिए नहीं जाना चाहते, दूसरे हमारे कृषि एरिया ही है सबसे ज़्यादा पंचायत में, जिसमें फिर हमारी सभी सुविधाएं खेती बाड़ी की या अपने पानी की या अपने दूसरी श्यामला भूमि की, ये सारे अधिकार जो है वो कुछ सीमित हो जाएंगे या शायद बंद हो जाएंगे, ये लोगों में भ्रम है।